नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज अपने बीकानेर के एक अच्छे से फील्ड में आए हैं, एक्टिव फार्मर हैं। और मैं जो अब तक हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि गंगानगर की वीडियो बहुत बना ली, एक बार बीकानेर जैसे फुहारे वाली खेती, बिल्कुल नरम बालू मिट्टी की एक वीडियो बनाएंगे। तो आज जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल बालू मिट्टी और प्योर बालू मिट्टी है, फुहारे की खेती है। तो जानते हैं इनसे गेहूँ में इनके क्या रिजल्ट मिले और कब से यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताएंगे। नमस्ते जी। नमस्ते साहब, अपना नाम? रामदेव है सर। रामदेव माली। हाँ सर, ठीक है सर। जाति से भी माली तो काम भी फिर। हाँ सर, वही ठीक है। तो सर अपना मोबाइल नंबर? 800-800-30-30-60-60-697। हाँ सर। सर ये चेक कौन सा अपना? ये फेमस सर का चेक आता है, जो बीकानेर के बीकानेर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। बीकानेर से 10 किलोमीटर दूरी फेमस सर। तो सर आपके पास नहरी जमीन होने के बावजूद आप फुहारे काम में ले रहे हो, कारण? ये थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है, नहर का पानी पूरा टाइम टू टाइम नहीं मिल रहा, इसी वजह से फुहारे से खेती ज्यादातर करते हैं। आप सारा पानी डिग्गी में डाल लेते हैं और डिग्गी से उठा के कुएं का पानी मिक्स करके फिर फुहारे से खेती करते हैं। ठीक है सर। तो सर आपने इस बार इसमें क्या यूज क्या किया इसमें गेहूं में अपने? इसमें कणक में सर हर बार तो जैसे डीएपी यूज करते हैं। डीएपी क्या रखते थे, कितनी रखते थे आप डीएपी? जैसे कि बीघे की डोज, दो बीघे के हिसाब या ढाई बीघे के हिसाब से, एक कट्टा के हिसाब से लेते थे। दो से ढाई बीघे में एक कट्टा डीएपी का डालते थे, लगभग मान ले अपने 20-22-25 किलो तक। 25 किलो बीघे के हिसाब से डीएपी रखते थे, लेते थे। ठीक है सर। और अब की बार जो है सर, अब की बार एक नई ग्रोमोर प्लस नाम से आई है, ग्रो प्लस, उसी का इस्तेमाल किया है और बीघे में एक कट्टे के हिसाब से डाली है। किस रेट में मिला आपको? 500 रुपए प्रति कट्टा है। 500 रुपए प्रति कट्टा, तो मान लो आपका जो खर्चा था डीएपी का पड़ रहा था आपको 1200 रुपए का कट्टा। हाँ सर। जो आप दो बीघे में यूज कर रहे हो 600 रुपए कॉस्ट आ रही है। 600 रुपए। और 600 रुपए में आपको सिर्फ डाई अमोनिया और नाइट्रोजन दो चीज मिल रही थी। हाँ सर। ग्रो प्लस में आपको 5 चीजें मिल रही है। हाँ सर। और 90 दिन तक ये जमीन में काम कर रहे हैं। जी। तो सर इसका सुझाव किसने दिया आपको, क्योंकि हम तो मिले नहीं आपसे? क्या है कि सर हमारे यहाँ पड़ोस में किसी ने नरमा के सीजन में लाके लगाया था। ठीक है। दिया, उसमें अच्छा रिजल्ट लगा। ठीक है। वो रिजल्ट देख के ही हमने ये उपयोग किया इसका, पड़ोसी को देख के। ठीक है। और अच्छा रिजल्ट मिला है, इसीलिए ये अब की बार कनक में भी यूज किया आपने। हाँ सर। ठीक है। बाकी अगर आप एक बार थोड़ा सा देखें, हाँ पूरे खेत की ग्रीनरी देखें, ये बेल्ट पुराने टाइम में यहाँ पे अनार की खेती हुआ करती थी, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा पीलापन दिखेगा, जो खड्डे जहाँ जहाँ अनार के खड्डे थे वहाँ पीलापन दिख रहा है। हाँ, वो अनार की वजह से, अनार की वजह से है। बाकी अगर पूरा खेत का सिनेरियो देखे तो बहुत अच्छी ग्रीनरी है। और इस टाइप से बिरानी टाइप की जमीनों में और फुहारे की खेती में जहाँ पे न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी दिखनी बहुत ही, ये मान लो अनिवार्य है, दिखेगी। जी सर। लेकिन इस जमीन में कहीं मुझे कोई ऐसी डिफिशियंसी नजर नहीं आ रही जिससे अपने ये कह सके कि अभी इसमें अभाव है कुछ। हाँ, उसके अलावा जो भी है आप ऊपर फॉलोइंग स्प्रे वगैरह वो तो करोगे, एनपीके वगैरह वो तो चलनी है सर। लेकिन डीएपी के बदले अगर ये देखे तो आपको अच्छा लगा? संतुष्ट? मेरे हिसाब से अच्छा है रिजल्ट। संतुष्ट हो आप अब तक? संतुष्ट है और खर्चा भी बिल्कुल कम है इसमें। तो सर आगे आप बीटी कॉटन जैसे थोड़ा सा अगर उधर देखें, आपकी बीटी नरमे की हाइट, तो हाइट तो आपका नरमा खूब ले गया। अगर यही हाइट गंगानगर बेल्ट की होती नरमे की, तो ये 9-10 क्विंटल आपकी क्या यील्ड निकली है इसमें? इसमें 6 की एवरेज निकली है सर। और इसमें आपने डीएपी यूज की, ग्रो प्लस यूज नहीं की? ग्रो प्लस नहीं मिली थी उस वक्त और इसका इतना पता भी नहीं था पहले। तो अभी डीएपी के साथ आपने और भी सामान डाले होंगे? हाँ, इसमें डीएपी है, जैसे सल्फर है और एक वो जैसे जाइम वगैरह वो भी दिए है। काफी कुछ सामान देने के बावजूद इन्होंने 6 क्विंटल की यील्ड ली है। हाँ सर। तो मेरा आपको इतना अनुरोध है, आगे आप जो भी बीटी कॉटन की खेती करें, मूंगफली की करें, हाँ सिर्फ एक कट्टा प्रति बीघा तो आपने बिजाई में डालना है। ठीक है सर। और 25 किलो आपने 90 दिन की फसल होने पे साइड में बिजाई करनी है ग्रो प्लस की। ठीक है सर। दो बार ग्रो प्लस, 50 किलो बिजाई में, 25 किलो 90 दिन की होने पे फसल। उसके बाद आप ये रिजल्ट देखिएगा, इसमें कोई एंजाइम नहीं देना, कोई सल्फर कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना, एक पोटास देनी है आपने। हाँ सर। ठीक है। एक ग्रो प्लस और पोटास, दो ही चीज डालनी है और फिर आपने देखना इसका यील्ड क्या निकलती है। मेरा ये अनुमान है, ये जमीने ये देख के ये लग रहा है कि आपका 9-10 क्विंटल नरमा निकलेगा। ठीक है सर। ज्यादा नहीं तो अगली बार 1-2 बीघे में इस टाइप से आप ट्रायल करिए, बाकी तो गेहूं में आप देख ही लोगे। हाँ, गेहूं का रिजल्ट देख लिया, अच्छा है रिजल्ट, अभी अच्छा लग रहा है। अब की बार नरमा में भी देखेंगे, मूंगफली में भी देखेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है किसान भाइयों, सारे लोग जुड़े रहिएगा, लास्ट वीडियो एक और आने वाली है, जब इनकी यील्ड की बात आएगी, जो फसल पक जाएगी, पकने के बाद कटाई के टाइम एक वीडियो और बनाएंगे और फिर देखते हैं ग्रो प्लस का रिजल्ट फुहारे वाली खेती में कैसा है। धन्यवाद।